सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। थंबनेल और टाइटल देख के तुमको मालूम पड़ गया होगा आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं वन पीस के टॉप 10 एपिसोड जो 2021 में रिलीज हुए थे उनके बारे में मैं बताऊंगा। प्लस ये जान लो ये लिस्ट मेरी फेवरेट एपिसोड को लेकर के रैंकिंग है, तो हो सकता है तुम्हारे रैंकिंग से मैच ना खाए, तो कमेंट बॉक्स पे अपना लिस्ट बताना मत भूलना। साथ ही एक और चीज जान लो, वन पीस के मांगा चैप्टर 1036 का मैंने रिव्यू अपलोड कर दिया है, तो जो भी मांगा रीडर है और ये वाला वीडियो देख रहा है उसने वो वाला वीडियो अगर नहीं देखा है जाके वो वाला वीडियो देखना मत भूलना। साथ ही साथ मैं कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। नंबर 10 एपिसोड 1000। भले ही ये एपिसोड आधे से ज्यादा फिलर से भरा हुआ था बट इसका कमाल का एनिमेशन, फिर VR ओपनिंग का दोबारा बजना, भाई फील आ गया। वैसे जिसे नहीं पता उसे मैं जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अनटोल्ड ट्रूथ अबाउट VR ओपनिंग पे वीडियो बना रखा है। वहां पर मैंने VR ओपनिंग से रिलेटेड ऐसी ऐसी चीजें का खुलासा किया है, भाई तुमने आज से पहले कहीं नहीं सुना होगा, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलना। तुमको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 9, इसमें मैंने दो एपिसोड्स को रखा था क्योंकि दोनों ही डिजर्व करते थे। एपिसोड नंबर 995 एंड 980। पहले हम बात करेंगे 995 की। ये एपिसोड का एनिमेशन प्लस पेसिंग दोनों ही अच्छा था। इसी एपिसोड से ही रेड की स्टार्टिंग होती है। आकाजाया 9 के लिए यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था, वो लोग 20 साल से इसका इंतजार कर रहे थे। प्लस जिस तरह से हमें उस हमले में ओडेन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, भाई देखने में भी मजा आता है, एनिमेशन भी लाजवाब था, प्लस फील भी देता है। एक और चीज मुझे इस एपिसोड की बहुत अच्छी लगी, यामाटो जब काइडो के ऊपर हमला करने वाली होते लूफी उसे रोकता है, हमारा हक नहीं बनता इस वॉर को शुरू करने का, आकाजाया 9 का हक है। बात करूं अगर मैं एपिसोड 980 की, क्या नहीं था इसमें ये पूछो। कांजीरो का मोमोनोसुके को किडनैप करना, प्लस दानजीरो का धमाकेदार एंट्री मारना, जिस तरह से वो शिप को काट के एंट्री मारा था, भाई फील दिला दिया था यार। कमाल का एनिमेशन तो था इस एपिसोड में। प्लस जब ये तीन नमूने बीस्ट पायरेट के शिप को डिस्ट्रॉय करते आपस में झगड़ते हुए, वो भी बहुत मजा आया। नंबर 8, यहाँ पर भी टाई है 990 एपिसोड एंड 981 एपिसोड। पहले बात करते हैं 990 एपिसोड की। इस एपिसोड को नंबर 8 पे रखने का रीजन सिर्फ एक ही है, यामाटो का राइमे हाकी। तो चलो 981 की तरफ बढ़ते हैं। भाई जिनबे इसमें रिटर्न करता है और ये चीज यार एपिसोड वॉचर्स को बहुत मजा आता है। मैं जब मांगा रीड कर रहा था भाई, मैं खुद बहुत ज्यादा खुश हुआ था क्योंकि होल केक आइलैंड के बाद उसका कुछ अता पता नहीं था। वो बोला तो था वो रिटर्न आएगा, पर वो जिंदा बचता है कि नहीं वो सब चीज हमें यहाँ पर मालूम पड़ता है। वो जब रिटर्न आता है भाई बहुत मजा आता है। जितना खुश लूफी हुआ था, स्ट्रॉ हैट पायरेट हुआ था, मुझे वही फील आ रहा था। तो चलो नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 7, यहाँ पर भी ड्रॉ है, एपिसोड नंबर 973 एंड 974। ये दो एपिसोड को मैं ना बयान नहीं कर सकता। ओडेन का उस खोलते हुए तेल में एक घंटे तक सरवाइव करना, फिर काइडो के हाथों मारा जाना, बहुत ज्यादा इमोशनल था। प्लस मुझे बताने की जरूरत नहीं है उसने वहाँ क्या साबित किया। नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक ही एपिसोड है, एपिसोड नंबर 972। भाई ये एपिसोड ओडेन के पावर को बताता है। काइडो वर्सेस ओडेन की फाइट हमें इस एपिसोड में दिखाई जाती है। भले ही सभी को रिजल्ट पता है कौन जीतने वाला है, क्या होने वाला है, बट फिर भी हर वो बंदा इस फाइट को देखते वक्त ना एंजॉय किया था। ओडेन ने इस एपिसोड में काइडो को एक परमानेंट स्कार दिया था। भाई 20 साल बाद भी काइडो ओडेन की रिस्पेक्ट करता है। नंबर 5, यहाँ भी टाई है, एपिसोड नंबर 963 और एपिसोड 1000 के बीच। पहले बात करते हैं एपिसोड 963 की। यहाँ हमें देखने को मिलता है कोजुकी ओडेन वर्सेस वाइट बियर्ड की फाइट, और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है ओडेन की औकात वाइट बियर्ड के सामने एक मक्खी से कम नहीं है। इस फाइट में वाइट बियर्ड ने ओडेन को साफ साफ बता दिया था, इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। प्लस अगर मैं 1001 एपिसोड की बात करूं तो यहाँ पर लूफी और एक्सट्रैक्ट दोनों मिलके नंबर्स को गिराते हैं। ये फाइट हाल ही में आया था और जिस तरह से यार फिलर पे फिलर बने जा रहे थे, जिस तरह से पेसिंग स्लो थी, बहुत टाइम बाद अच्छा एनिमेशन के साथ मुझे फाइट देखने को मिला, और जिस तरह से लूफी गियर 4 में ट्रांसफॉर्म होता है, भाई फील आ जाता है। नंबर 4, एपिसोड 965। इस एपिसोड में क्या नहीं था ये पूछो। दो लेजेंड्स का आपस में टकराना, ओडेन को उसकी औकात फिर से मालूम पड़ना, प्लस ओरोची का बैक स्टोरी, तीनों ही बहुत जबरदस्त था। गाइज अभी हम अपने टॉप 3 पे पहुंच चुके हैं, तो उससे पहले भीख मांगने की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं। मतलब अगर तुमको ये टॉप 10 लिस्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक मारना मत भूलना,
साथ ही साथ अगर तुम घूमते घामते इस चैनल पे नए आ गए हो तो जानकारी के लिए बता दो, यहाँ पर मैं वन पीस रिलेटेड वीडियोस डेली बेसिस पे अपलोड करता हूँ। रोज यहाँ पर वीडियोस आते हैं हिंदी में, तो इस चैनल को यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर देना, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा ना तुम्हें नोटिफिकेशन चल जाएगा। फालतू की बकबक हो गई। नंबर 3, एपिसोड नंबर 957, रेवरी में वॉरलॉर्ड सिस्टम बंद होना या फिर वॉरलॉर्ड्स के पीछे मरीन पड़ना। बट असली मसाला तब आता है जब सैबो का कुछ होता है। इस एपिसोड में सब कुछ था, साला दिमाग खराब हो गया था। ड्रैगन को तो तोते उड़ गए थे सैबो को पेपर में पढ़ के। ऊपर से इस एपिसोड ने दुनिया भर के थ्योरी को जन्म दिया, खासकर व्हाट हैपेंड टू सैबो। नंबर 2, एपिसोड 966, ये एपिसोड फाइट से भरा हुआ था, रॉजर पायरेट्स वर्सेस वाइट बियर्ड पायरेट्स। ये फाइट 3 दिन 3 रात तक लगातार चली थी और उसके बाद भी मैच ड्रॉ था। साथ ही यहाँ पर हमें प्राइम रैली का जलवा दिखता है, जहाँ पर वो मार्को के एक अटैक को बस एक अंगुली से रोक देता है। प्लस वहीं हमें ये चीज भी मालूम पड़ता है, ब्लैक बियर्ड रात को सोता नहीं है। खैर जो भी हो, नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले, क्या तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया? अगर कर लिया तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं किया तो तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तो चलो, जिस पल का सभी को इंतजार था, नंबर 1, यहाँ भी मैंने 2 एपिसोड को रखा था, क्योंकि यार जब मैं बताऊंगा तुम खुद बोलोगे इनको मैं ऊपर नीचे नहीं रख सकता। एपिसोड नंबर 968 एंड 958। पहले बात करते हैं एपिसोड 968 की। रॉजर ग्रैंड लाइन को कॉन्करर कर लेता है और वन पीस को खोज लेता है, प्लस वो लाफ्टेल भी जाता है, जहां पर उसे सब कुछ मालूम पड़ता है, वेल ऑफ डी से लेके वाइड सेंचुरी के इतिहास तक। और अगर मैं वही बात करूं 958 की, तो ये भी कम नहीं था। इसमें हमें गॉड वैली, रॉक्स पायरेट, रॉजर एंड गार्प से लेके योंकोस की बाउंटी तक मालूम पड़ती है। और यही नहीं, असली मसाला तो अभी आना बाकी है, 2 लेजेंड्स रॉजर एंड व्हाइट बियर्ड की बाउंटी हमें इसी एपिसोड में रिवील होती है। तो मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर मैंने क्यों इस एपिसोड को नंबर 1 पे रखा है। भाई 5 बिलियन बैरिस से ज्यादा थी इनकी बाउंटी। तुम सभी को मेरा यह लिस्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूला। साथ ही क्या तुम सभी चाहते हो मैं ऐसा ही लिस्ट मांगा चैप्टर को लेके बनाऊं? अगर तुम लोग चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। साथ ही साथ अपना टॉप 10 फेवरेट एपिसोड्स का लिस्ट भी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।